आज बात करेंगे सर्दी की। सर्दी इतनी ज्यादा है कि गीजर ढंग से चले उसके लिए उसके आगे हीटर चला के रखता हूं। हीटर को छूने के पहले उसको हेयर ड्रायर से गर्म करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हेयर ड्रायर कैसे गर्म रहता होगा, वो गर्म या ठंडा नहीं रहता, वो रहता है ऐसा। अब मैं इसको हेयर ड्रायर नहीं कहता, मैं इसको कहता हूँ हेयर ड्रायर। टंकी के पानी की बात कर लेते हैं, वो इतना ठंडा रहता है कि हाथ धोते हुए भी डर लगता है कि गर्म पानी अगर नहीं निकला तो हाथ से हाथ न धो बैठे। इंसान ये बताइए सर्दी से बचने के लिए क्या नहीं करता। गर्म होने के लिए ब्लोअर चलाया था मैंने भी, उसकी हवा से जुकाम हो गया। रजाई गर्म रहे इसके लिए मैं उसे कंबल ओढ़ा के रखता हूँ। चाय इतनी जल्दी ठंडी हो जाती है कि उसको आइस टी कहने लगा हूँ। अब सर्दी उस लेवल पे जा पहुंची है जब खुद के बॉडी पार्ट तब महसूस होते हैं जब उनमें दर्द हो। जब पैर की छिंगी दरवाजे से टकराए और भयानक दर्द हो तब लगता है कि पैर भी है इंसान के पास। आलम यह है कि पहले हाथ मिलाकर दोस्तियां हुआ करती थी, अब कोई मिलाने के लिए अगर ठंडा हाथ आगे बढ़ा दे मैं दोस्ती तोड़ दूंगा। अब मुझको जॉन स्नो और खलीसी में खलीसी बेहतर इंसान लगने लगी है। एक बात बताइए, आपको कोई कहे कि नॉर्थ में किसी ठंडी दीवार पे चलो और दूसरी महिला एक भरे पूरे शहर को ड्रैगन की सांस से रूम हीटर का फील दे, आप किसके पक्ष में जाएंगे बताइए। लोगों में बड़े बड़े डर होते हैं। ग्रेटर नोएडा वालों को डर लगता है कि पार्किंग में कार की जगह गुलदार तेंदुआ ना निकल आए। वाले लोगों को जंग का डर होता है, धर्मांधों को रंग का डर होता है, बाइक वालों को चाइनीज मांझे का डर होता है, किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस का डर होता है। मेरा डर है कि किसी दिन अंधेरे में बल्ब की जगह पंखे की बटन न दब जाए। आप कहोगे ये इमेजिनेशन है, मैं कहूंगा मैं इमेजिनेशन नहीं लेमिनेशन की सोच रहा हूँ। गर्म पानी में नहाने के ठीक बाद बर्फीली वादियों का जो झोंका बाथरूम के दरवाजे के नीचे से आता है उससे बचने के लिए मैं बॉडी पे लेमिनेशन करा लेने तक के लिए तैयार हूँ। और कभी कभी मुझको ऐसा लगता है कि अपना नाम रख लूँ मैं दसवीं की मार्कशीट। मेरे पापा लेमिनेशन तो कराएंगे ही, चार फोटो कॉपी करा के रखेंगे अलग अलग। और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी जो मैं बातें कर रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। औद्योगिक क्रांति के बाद सबसे ज़्यादा आविष्कार बताइए किस क्षेत्र में हुए हैं। आप कहेंगे कि नोटबंदी के मोटिव के क्षेत्र में, नहीं, टेम्पर्ड ग्लास के क्षेत्र में। जितने डायमेंशन सदगुरु के सत्संगों में नहीं होते उससे ज़्यादा डायमेंशनों के टेम्पर्ड ग्लास आने लगे हैं। ऐसी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं कि दिल्ली पुलिस से ज़्यादा भरोसा मुझको स्क्रीन प्रोटेक्टर्स पर हो गया है। प्रोटेक्टर का काम प्रोटेक्ट करना है, सीसीटीवी फुटेज निकालना नहीं। वो काम तो न्यूज़ से ज़्यादा रील बनाने वाला कोई भी टीवी एंकर कर सकता है। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो एक चीज क्लियर कर लीजिए, सबसे ज्यादा डायमेंशन होते हैं उनके सत्संगों में। फिर मोबाइल के गोरिल्ला H2H फुल ग्लू क्रिस्टल फुल HD फ्रॉस्टेक इंटर रिफ्लेक्टिव 11D रॉकेट साइंस युक्त कोलेस्ट्रॉल फ्री टेम्पर्ड ग्लासेज में। उसके बाद सबसे ज्यादा डायमेंशन होते हैं कार के फुटमैट में, और तब जाकर कहीं सिनेमा हॉल्स की स्क्रीन की बारी आती है। अब आप बताइए, मोबाइल के बैक के लिए ग्लास आने लगे हैं, कैमरे के लेंस के लिए ग्लास आने लगे हैं, और जो इन सब का पैसा दे रहा है उसको वादियों की झोंकों से बचाने के लिए एकाध प्रोटेक्टर तो बन ही सकता है। ऐसा नहीं है कि सर्दी से सिर्फ मैं परेशान हूँ, ठंडी चीज़ों से हर कोई परेशान होता है। आपको पता है ठंडे रिस्पॉन्स से कस्टमर परेशान होता है, नहाने से हर नश्वर परेशान होता है। ठंड के कारण होठों के अलावा रिश्तों में भी दरार पड़ने लगी है। खबर आई हापुड़ से, एक माँ ने बेटे को नहाने को कहा तो उसने बुला ली पुलिस। इस हिसाब से मुझे अपनी मम्मी के लिए तिहाड़ का मंथली पास बनवा लेना चाहिए। पुलिस वाला मामला गढ़मुक्तेश्वर का है, अक्खापुर गाँव में। पहले पापा ने 9 साल के बेटे के जबरन बाल कटवा दिए, फिर मम्मी ने उसको नहाने के लिए कह दिया। भाई ने 112 पर कॉल कर दिया, पुलिस आ गई। बाद में मामला समझ में आया तो लौट गई। वैसे इस बच्चे ने जो किया ठीक किया, आप खुद सोचो सर्दी के मौसम में बाल कटवाना कितना मुश्किल काम है। सैलून वाला जब बाल पे पानी की फुहार मारता है तो ऐसी झुरझुरी चढ़ती है कि रीढ़ की हड्डी में फंसी नाइट्रोजन भी कसमसा के निकल जाती है। जोक नाइट्रोजन निकलने में नहीं है, जोक यह है कि मीडिया वाला रीढ़ की हड्डी की बात कर पा रहा है। चलिए आज का रेंट यही करते हैं खत्म, बढ़ते हैं सोशल मीडिया की खबरों की ओर। कार ना रोक पाने वाले कलाकार रोक रहे हैं, बर्फ पड़ी तो कैसे दिखेंगे दिल्ली और कोलकाता। बहन का केयर टेकर बना भाई, वीडियो हुआ वायरल। भाई की केयर थप्पड़ बनी बहन, वीडियो हुआ वायरल। और खिलाएंगे आपको 60,000 की पत्ता गोभी और टिप ऑफ द डे में करेंगे बात बिहारी जूसी सोल। मिर्जापुर में गुड्डू भैया के पापा कौन बने थे याद है ना, बहुत फेमस कलाकार हैं राजेश तैलंग। उन्होंने ट्विटर पे एक वीडियो डाला, लिखा ये क्लिप इंस्टाग्राम पर देखिए, दिल्ली पुलिस ये ठीक नहीं है, ये आर्टिस्ट दिल्ली को और एस्थेटिकल और संगीतमय बनाते हैं, शर्मानी चाहिए। ऐसा क्या था क्लिप में, दिख रहा था कि एक पुलिसकर्मी गिटार बजाते कलाकार को बड़ी बदतमीजी से हटा रहे थे। थोड़ा खोजा तो कलाकार का हमको इंस्टाग्राम अकाउंट भी मिल गया, अंशुल रियाजी नाम से इनका हैंडल है, जहां 4 दिन पहले ये पूरा वीडियो डाला गया था। नजर ये आ रहा था कि सीपी में परफॉर्म कर रहे थे, वहीं से इनको हटाया गया। शेयर करते हुए इन्होंने लिखा कि क्या जनता सपोर्ट करेगी,
बस्किंग भारत में वैध और जीवंत कला होनी चाहिए। वीडियो देखिए। बाकी बस्किंग माने होता है स्ट्रीट पर परफॉर्म करके मौके पर मौजूद लोगों से पैसे। देखिए वीडियो। जो आवाज देने नहीं सुनेगा तो क्या करेगा? खड़े हो। बाकी बस्किंग दुनिया भर में फेमस एक आर्ट फॉर्म है। जब तक है जान के छल्ला वाले गान में शाहरुख वही कर रहे थे, ऐसे ही बस्किंग करने वाले जेम्स बॉवेन की जिंदगी पर एक बड़ी प्यारी सी फिल्म बनी है। नाम है उसका स्ट्रीट कैट नेम्ड बॉब। कहानी उनकी असल जिंदगी पे है कि कैसे एक ड्रग एडिक्ट परफॉर्मर की जिंदगी में एक बिल्ली आती है और फिर वो अपना नशा भी छोड़ देते हैं और बाद में बहुत बड़े ऑथर भी बन जाते हैं। बहुत प्यारी फिल्म है, एक बार देखी हो सोच के। तो लोगों ने पुलिस को कोसा कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर संभालना होता है वहाँ दिल्ली पुलिस नदारद रहती है और ऐसी जगहों पर लोगों को बेवजह परेशान कर रही है, अति निंदनीय। शंकर सिंह ने ढेरों सिगरेट की कुट्टी की फोटो डालते हुए लिखा कि मुझे अब भी याद है कि कैसे मैंने सीपी में सिगरेट बट्स इकट्ठा करने के लिए परमिशन मांगी थी, तो उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि इससे लॉ एंड ऑर्डर के काम में बाधा पहुंचेगी। गंदा करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, आप साफ नहीं कर सकते, बाधा पहुंचेगी। पत्रकारों को पढ़ाने वाले आनंद प्रधान ने लिखा कि दिल्ली खुद को दुनिया के सुंदर, कलात्मक और बेहतरीन शहरों में शामिल कराने के लिए बेचैन रहती है, बेचैन रहती है। दिल्ली सरकार स्ट्रीट आर्ट को बढ़ावा दे रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस को ट्रेनिंग क्यों नहीं दे रही है? सुनिए दुनिया के खूबसूरत शहरों में सड़कों पर संगीत का जादू बिखेरते कलाकार की पहचान है, ऐसा उन्होंने लिखा। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जगह है लोगों के चलने की है, ऐसे बैठकर वो लोगों का आना जाना रोक रहे हैं। पुलिस वाले ने जब पहली बार कहा तो उनको हट जाना चाहिए, कला की कद्र है, व्यवस्था की नहीं। अंशुल गलत है, ऐसा लोगों ने कहा। वैसे बात इन लोगों की भी तर्कसंगत है, लेकिन एक बात और है, हम सबको पता है कि सिटी में क्या होता है। जहाँ इंसान चलता है वहीं दुकानें लगी रहती हैं, वहीं सब अवेंजर्स वाला पोस्टर खरीदते हैं, वहीं सब मोबाइल कवर खरीदते हैं, है ना। सब गए वहाँ। इंसान के चलने की जितनी कदर की जाती है सबको दिखता है। एक आदमी के बैठ के परफॉर्म करने से, जमीन पे बैठने से ऐसा कुछ अरज नहीं रहा था। आदमी वहाँ वैसे भी स्लो चल पाता है, उनके बैठने से कोई पहाड़ नहीं टूट रहा था, सही बताएं तो। अब दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। अंशुमान चौधरी नाम की यूजर ने AI की मदद से निकाली और ट्विटर पर डाली, लिखा कि नई और पुरानी दिल्ली बर्फबारी में कैसी दिखेगी। AI से विजुअलाइज किया है। पहले दिल्ली की दो फोटोज देख लीजिए। फिर कोलकाता की दो ऐसी तस्वीरें आ रही, वो भी देख लीजिए। ठंडा ये देखिए आप भी। ऋतिक सरकार नाम की यूजर ने गुरुग्राम की शाम की भी ऐसी तस्वीर निकाल दी AI से, वो भी देखिए। बाकी मुझे AI की जरूरत नहीं है, जैसी ठंडी यहाँ पड़ रही है फोटो में तो दिख रहा है, मैं वैसी सर्दी फील कर पा रहा हूँ। यहाँ नहीं फील कर पा रहा हूँ क्योंकि ये कमरा बहुत गर्म है। बढ़ते हैं वायरल वीडियोज के अपने सेगमेंट की ओर। उर्दू नॉवेल्स नाम के ट्विटर हैंडल से आया क्योंकि बहुत चल रहा है। दिखता है कि एक भाई अपनी बहन को साइकिल में ले जा रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए उसे एकदम कसमस के सलीके से बैठा रहा है। बहुत केयरिंग टाइप का वीडियो लगा लोगों को, देखिए। भाई बहन का प्यार देखा, बहन की मार देखी। उस किस्म के वीडियोज आपने खूब देखे होंगे कि क्या 1000 रुपए के लिए तुम अपने दोस्त को मार सकते हो, फिर बड़े क्रेंज तरीके से पहले तो एक मना करता है, फिर अपने दोस्त को लपड़ी आ देता है, उसके बाद 500 तेरे 500 मेरे कहता है, फिर किसी इरिटेटिंग से गाने पे कूदते हुए रील खत्म हो जाती है।
वैसे ही कोशिश इस वीडियो में होती है 40 रुपए के लिए। शुरू में देख के आपको ये लगता है कि बच्ची नहीं मारेगी, लेकिन वो छोड़ देती है और 20 रुपए बच्ची को देने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोकस बच्चे का, छोटे बच्चे का फोकस रोने में रहता है। ये वीडियो दिखाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि प्लीज अपने बच्चों से कॉन्टेंट के लिए कुछ भी मत कराइए। वीडियो आया कहाँ से, कब का है, ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं। फेसबुक समेत तमाम मीम पेज पर एक तस्वीर नजर आई, ट्विटर का स्क्रीनशॉट। अनुराम की यूजर ने लिखा था कि पत्ता गोभी जैसा दिखने के लिए इनको 60,000 रुपए दूं मैं। देख रहा था कि 59,999 में एक जैकेट मिल रही थी, एकदम ही पत्ता गोभी लग रही, नहीं पत्ता गोभी नहीं लग रही थी, वो एक डिश होती है ना जो उन होटलों में मिलती है जहाँ वो बीच बीच में वेटर धुआं उड़ाता तवा लेके घुस जाता है जाते, लेटस, ये बता रहे हैं लेटस, तो ऐसा लगता है गोभी पे मलाई डाल दी है, एकदम उस वाली हरियाली जैसा लग रहा है ये। शेष इसी जैकेट की भावना को समझते हुए वो महान वाक्य कहा गया था इंटरनेट पे कि मुझे क्या, मैं तो पत्ता गोभी। सोशल मीडिया में बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज का चैनल है बिहारी जिप्सी सोल। इनका मेरा दिल ये पुकारे आजा का भोजपुरी वर्जन यूपीएससी वाला लव, खूब खबरों में बहुत खबरें बन रही है इस पे। हमने इनके उस वीडियो की बात पहले भी की थी अगर आपको याद हो, जिसमें वो श्रीलंका वाला गाना था जो मनिके मंगे हिते का भोजपुरी रिप्लाई था, वो वायरल हुआ था, तब हमने इनकी बात की थी। शो में इनका जो वीडियो जब दिखाने गए तब देख के वीडियो पता चला कि इनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ। रोहित सहाय नाम है इनका, बढ़िया और बहुत अलग वीडियोज बनाते हैं, आप इनका चैनल देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल मीडिया में कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।